आनंद कहाँ गया? कहाँ गया वो? अब मैं इन्हें क्या बताऊं? ओ, या तो तुम्हें बदतमीजी से लड़ना आता है या फिर ये चुप्पी साध लेगी। अरे बताना कहाँ गया है, मुझे मालूम है तूने नाराज करके कहीं भेजा होगा। अरे कितना प्यारा बच्चा है मेरा। अरे उसकी जगह कोई और होता ना तो तुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल देता, जिस तरह से अपने प्रेमी के साथ रात गुजार। ये वाहियात बात, अपनी घटिया सोच और जबान दोनों को लगाम दीजिए बुआ जी। अब मैं खुद के खिलाफ कोई भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझिए आप। अगर मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं कल रात कहाँ थी तो इसके पीछे कई वजह हैं। ये वजह नहीं है कि मैं सिद्धांत के साथ थी। सिद्धांत कल शाम को ही यहाँ से साइट ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो साइट ऑफिस पर फोन लगाइए और विक्रम से बात कीजिए, विक्रम भी वही है। विक्रम आपको बताएगा कि सिद्धांत वहां कितने बजे पहुंचा। 6:30 की बस से सिद्धांत यहाँ से रवाना हुआ, यानी कि 8:30 बजे वो साइट ऑफिस पहुंच चुका था। रात के 3 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी, यानी कि मैं सिद्धांत के साथ नहीं गई थी बुआ जी, समझी आप। और रहा सवाल कि मैं कल रात कहां थी तो वक्त आने पर वो भी बता दूंगी, फिलहाल नहीं। आइंदा मेरे खिलाफ आपने कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लाइए ये पैसे मुझे दीजिए, हॉस्पिटल में इनकी जरूरत पड़ेगी। कंचन जी कॉफी? देखिए धीरज, देखिए ऐसे ऐसे रोइए मत प्लीज। दीवान साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे वो इतने नेक इंसान हैं, इतना दान पुण्य का काम करते हैं, लाखों लोगों की दुआएं हैं उनके साथ। कुछ नहीं होगा उनको, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कंचन जी, आई एम श्योर सुबह से ना तो आपने कुछ खाया होगा ना पिया होगा। प्लीज एक कप कॉफी तो पी लीजिए, प्लीज ये लीजिए कॉफी पी। कंचन जी ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। प्लीज हम ओके वरुण। देखिए कंचन जी, अगर दीवान साहब की देखभाल करनी है तो हमारा ठीक रहना बहुत जरूरी है। चलिए आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए प्लीज। नहीं वरुण, भैया और बुआ भी घर गए हुए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। उनके आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा करण जी, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलिए आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए प्लीज प्लीज आइए, उठिए कम प्लीज। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब पापा कैसे हैं? हमने दीवान साहब की बाईपास सर्जरी कर दी है, अगले 12 घंटे काफी क्रिटिकल रहेगा। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए दीवान साहब के लिए। जी हाँ, 8:30 बजे तक वो पहुंच गए थे यहाँ पे। जी बुआ जी, अरे पक्का बुआ जी, मुझे अच्छी तरह याद है जी। अब आप तो जानती है बुआ जी, मुझे कुछ भी नहीं भूला जाता है, मुझे अच्छी तरह सब कुछ याद रहता है। आप तो जानती है मेरा दिमाग जो है ट्रैक्टर से भी ज्यादा तेज चलता है, मेरा मतलब कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। हाँ सिद्धांत साहब पहुंच गए थे 8:30 बजे तक। हाँ हेलो हेलो, कमाल है यार, बादशाह कह भी नहीं फोन रखती। तो बुआ जी भी लगता है कुछ। विक्रम कौन बे? पुत्री। किससे बात कर रहे थे, किसके लिए जासूसी कर रहे थे मेरी? मैं जासूसी क्यों करूंगा? आप झूठ मत बोलो, जल्दी सच बताओ मुझे। ऐसा झूठ नहीं बोला, बाय गॉड मैं आपकी जासूसी नहीं कर रहा। वो बुआ जी का फोन था चंदनपुर से, दीवान साहब हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पूजा जी कल रात 3 बजे तक घर आई नहीं थी, इसलिए बुआ जी ने ये जानने के लिए फोन किया था कहीं वो आपके साथ तो नहीं थी। मैंने सब सच सच बता दिया कि आप 8:30 बजे तक तो यहाँ पहुंच ही गए थे, तो फिर आप जब पूजा जी के साथ कहते हैं कल रात 3 बजे तक
सच बोल रहे हो? माय गॉड सर, डाटा के सर की कसम खा कर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और हाँ, डाटा का भी फोन आया था, वो बता रहे थे कि इस बात को लेकर दीवान साहब के घर में बहुत बड़ा हंगामा होता, बहुत बड़ा। और पूजा जी जो है ना, लाखों रुपए से भरा बैग लेकर गायब हो गई थी, और वो छोटा सा मुन्ना है ना, वो भी गायब हो गया था। क्या सोच रहे सर? कुछ नहीं। ईटों का ट्रक है, अनलोड हो रहा है, जाकर चेक करो, जाओ। इसका मतलब चांदनी वाकई कल किसी मुसीबत में थी, और मैंने उसकी बात पूरी तरह से सुनी तक नहीं। खमखा उस पर नाराज होकर उसकी परेशानी और बढ़ा दी मैंने। गलत किया मैंने, अब क्या करूं मैं? थैंक यू सो मच वरुण, मैं तो बिल्कुल नर्वस ही हो गई थी वहां। अगर आप नहीं होते तो आपसे बात करके। ऐसी कोई बात नहीं है कंचन जी, इट्स माय प्लेजर। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। कंचन जी परेशान हो रही थी, हॉस्पिटल में रो रही थी, तो मैं उन्हें जबरदस्ती यहाँ ले आया। बुआ जी प्लीज आप फिक्र ना करें, आप भी आराम कीजिए। अभी दीवान साहब की तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप तो इतनी धार्मिक हैं, इतनी दयालु हैं, भगवान किसी के सुने या ना सुने आपकी जरूर सुन लेगा। देखिएगा, आपकी बदौलत ही आपकी भाई की तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, तो मैं चलूँ? अरे नहीं नहीं, रुक जाओ बेटा, हमारे साथ डिनर कर लो। नहीं बुआजी, चलता हूँ जरा। अरे अपना ही घर समझो ना इसे। हाँ वरुण, प्लीज डोंट बी फॉर्मल, आप डिनर खा के जाइए ना। नहीं कंचन जी, वो क्या है कि ऑफिस में काफी सारा काम अधूरा रह गया है, तो चलता हूँ किसी और वक्त। नमस्ते, गुड नाइट। अच्छा लड़का है ना? हेलो सर, गुड इवनिंग। आपके होटल में मिस्टर वरुण ठहरे हुए हैं, मिलना चाहता हूं मैं उनसे। वरुण साहब इस वक्त कमरे में नहीं है, वो हॉस्पिटल गए सर। हॉस्पिटल? जी। हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ, मेरी बहन कंचन होगी वहां पर, जरा बात कराएंगी प्लीज। कब, किसके साथ? अच्छा, पापा की तबीयत कैसी है? ओके ओके, आई विल बी देयर। यार बहुत होशियार समझते हो अपने आप को वरुण, पहले हॉस्पिटल पहुंच गए फिर कंचन को लेके बाहर चले गए, मगर मैं नहीं छोड़ने वाला हूं तुम्हें। वरुण वरुण, आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था, हम कब शादी करेंगे? स्वीट हार्ट, शादी करने के लिए तुमसे ज्यादा तो मैं बेताब हूं। जब तुम्हें पहली बार देखा तभी प्यार हो गया, और तभी मैंने डिसाइड किया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। मगर क्या वरुण? वो तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर है, तुम एक लौटी कमाने वाली हो, और इस शादी के बाद तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पर आ जाएंगी। हम इतना कमाते नहीं हैं, हम एक नया घर खरीदने वाले हैं, नए खर्चे होंगे, कैसे मैनेज करेंगे? मगर मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैं तो क्या कि तुम विक्रम से परचेज की डिटेल ले आओ,
यानी कि हमारी कंपनी जिन जिन लोगों से मटेरियल्स खरीदती है उनकी डिटेल्स। लेकिन वरुण, इससे हमारी शादी से क्या लेना देना? डार्लिंग, 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 देखो, एक बार हमें परचेज की डिटेल्स मिल जाएंगी तो हमारे पास एडिशनल इनकम होगा, हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हम अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे, हम अपने फैमिली को सिक्योर कर पाएंगे। और एक बार हम सब सिक्योर हो जाएंगे तो फिर हम शादी के बारे में बिना किसी टेंशन के सोच सकते हैं। लेकिन लेकिन मैं विक्रम से इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं? वेरी सिंपल स्वीट हार्ट, कोई मुश्किल की बात नहीं है। देखो, विक्रम की कमजोरी है खूबसूरत लड़कियां, और तुम खूबसूरत हो, चार्मिंग हो, बहला देना उसे। लेकिन वरुण, दिया, मैं चाहता हूं कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और कमीशन खाना कोई पाप थोड़ी है। बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े पोस्ट पर लोग कमीशन खाते हैं, हैं? ये तो हमारा हक है। और फिर हम 50-50% पार्टनर्स भी होंगे। ठीक है वरुण, वरुण मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। हाँ, लेकिन आप अपना वादा निभाना, आप मुझे अपने से कभी दूर मत करना, प्लीज। दिया, मैं तुम्हें अपने से तभी दूर कर पाऊंगा जब मेरी मौत होगी। वरुण, देखो दिया, विक्रम रिजॉर्ट की साइट पर होगा, मैंने तुम्हारे वहां जाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। तुम जानती हो ना वहां जाकर तुम्हें क्या करना है? हाँ वरुण। I love you. Love you too. Bye. Bye. अब मेरा रास्ता साफ हो गया है कंचन को घुमाने फिराने और बताने के लिए। मैं पूरी तरह से फ्री हो गया हूं, और ये बेचारी जंगल में साइट ऑफिस में बैठी मेरे जेबें भरने का इंतजाम करेगी और मुझसे शादी करने के सपने देखेगी। जी सिस्टर, आप करण दीवान को तो पहचानते हैं ना? जी हाँ। वो यहाँ इस वक्त है क्या? जी नहीं, मगर हाँ कुछ देर पहले उनका फोन आया था, मैंने उनसे कह दिया कि कंचन मैडम वरुण सर के साथ घर गई हैं। कंचन वरुण के साथ गई हैं? जी। थैंक यू सिस्टर। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम। ये पैसे डिपॉजिट कर लीजिए। ओके। गुस्से में कहीं करण कोई गलत कदम ना उठा ले, भगवान करे वरुण से करण की मुलाकात ही ना हो। मैडम ये आपकी रसीद। थैंक यू। तुम यहां क्यों आई हो? मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता, चली जाओ यहां से। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए, आपने तो मुझे अपनी बेटी माना है, आपने हमेशा मुझ पर इतना विश्वास किया है, और उसी विश्वास को तूने तोड़ा है पूजा, उसी विश्वास को तोड़ा है। बस चली जाओ यहां से। पापा प्लीज चले जा, बस सो, बस जा।
अब कैसा फील कर रहे हैं दीवान साहब? बस जिंदा हूं डॉक्टर साहब, वरना अपनों ने तो कोई कमी नहीं रखी थी। यू विल बी ऑल राइट, ओके? करण कंचन और मेरी बहन कहाँ है? वो लोग शायद घर गए हुए हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं उन्हें बुलवा लूं? यस प्लीज। सिस्टर उन्हें बुलवा लो। ओके। दीवान साहब मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते, इतनी नफरत करने लगे हैं वो मुझसे। मेरी मौजूदगी उन्हें दिमागी तौर पर परेशान कर सकती है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हेलो। आई एम वेरी वेरी सॉरी चांदनी, मैंने तुम्हारी बात पूरी तरह से सुनी तक नहीं और तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया मैंने, लेकिन मैं अब जान गया हूँ कि तुम किसी मुश्किल में हो। दीवान साहब अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं, मैं फौरन तुम्हारे पास आ रहा हूँ चांदनी। नहीं सदाम प्लीज, तुम ऐसा मत करना, इस वक्त मुझसे मिलने चंदनपुर मत आना तुम। मगर क्यों चांदनी? तुम्हारे यहाँ आने से मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी सिद्धांत। दीवान साहब को अभी अभी होश आया सिद्धांत, और उनकी आंखों में मैंने अपने लिए जो नफरत और नाराजगी देखी वो मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सजा है। उन्होंने कहा कि वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। चांदनी सिद्धार्थ प्लीज, मेरी खातिर इस वक्त तुम यहाँ मत आओ। अगर तुम उनसे प्यार करते हो तो तुम यहाँ नहीं आओगे इस वक्त। ठीक है मैं नहीं आऊंगा, लेकिन तुम फोन पर मुझे खबर देती रहना कि वहाँ क्या चल रहा है, वरना मैं बहुत बेचैन रहूंगा चांदनी। मैं फोन करती रहूंगी। यू टेक केयर, बाय। सब आप मुझे बोल क्यों नहीं? मेरा कसूर क्या? मेरे बेटे को किडनैप करने की जरूरत कैसे की? ये झूठ है सर, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया सर, प्लीज। जान से मार डाल सर, लगता है किसने आपको मेरे खिलाफ भड़काया सर। ये क्या है वरुण? ये सबूत है कि तुमने ही मुंडा को किडनैप किया है। मुझे वो 30 लाख वापस चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं सर। मुझे वो 30 लाख वापस चाहिए वरुण। सर मेरे पास पैसे नहीं सर। नहीं मेरी बात